इसी प्रकार से का आश्रम के ऊपर खड़ा होकर के विश्वामित्र कहने लग जाता है, हे महाराज वशिष्ठ मुनि, मैं इस ताड़क वध के अंदर एक शांति यज्ञ करना चाहता था, लेकिन उस पहाड़ की कंदरा से राक्षस निकल निकल करके और मांस मदिरा फेंक दे और मेरा यज्ञाधूस। हे महाराज, एक समय मेरी आत्मा के अंदर ऐसो आगो मन में सुन चार और शांति यज्ञ कराबा को ताड़क बन में करो मन में, लेकिन वो माया भी राक्षस पापी शोत्र पर गहरा लगा करके उत्पात मचाते हैं, मेरी आत्मा बहुत पश्चाताप के अंदर लाचार हो चुकी है, लेकिन मेरा यज्ञ संपन्न नहीं। उन पापियों का जगत के अंदर इतना उत्पात का हेला मच रहा है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। बताइए मुनिराज, कोई ऐसा राजा हो या कोई राजकुमार हो या कोई मुनि महात्मा जो मुझे एक ताड़क बन में यज्ञ की सफलता दिला सके। हे मुनिराज, आप तो सही विज्ञानी हो, इसीलिए मैं ताड़क बन से चल करके आपके आश्रम के ऊपर आया हूँ कि मुझे वशिष्ठ मुनि जी कोई ना कोई रास्ता। बात सुनकर के विश्वामित्र की वशिष्ठ मुनि और कहने लग जाता कि महाराज, पृथ्वीलोक के ऊपर नहीं तो कोई मुनि है नहीं कोई राजा, क्योंकि वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के कुल गुरु थे। कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि और राजा दशरथ के बारे में विश्वामित्र को कहता है क्या कह रहा था, और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की बात सुन रहा। पुरी में जाओ रखनो माने जा मेरो अवधपुरी रज तानी बोला राक्षस ताड़क बन में मुनि जी करे देख मन मानी और सुन जा पासे थाने लाग गो बेरो राजकुमार और रामचंद्र जी जन्म लियो जो विष्णु को उतार, थोड़ा दिन के बाद में मुनि जी कर गो माता धरती को सुन ले अड़को पार, और जाकर देखो अवधपुरी में जे को चमक रहे
चेरो सरत छे बो फाल अरे आइया के बाला के गो आयोड़ा को खेच कर तो सुन सम माने अवत पुरी के मायन जन को सुंदर छे डेरो सती में गावा आयो मनड़ो मेरो ऐरो बहुत उदास अर ऐंडे से समदाणू बैठो दोड़ा को सुन ले बाल जी दास अर आज गावे को यो भी नेड़ो एको कैया कुमलावे चेरो सीतो